हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 11 मई और आज हम 10 और 11 मई 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित जितने भी एसोसिएटेड फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उनको भी देखने का प्रयत्न करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए किमारीता शेरपा, बी शेरपा किमा जोशी, सी भावना डेहरिया एंड डी भावना जोशी। देखिए, 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है उनका नाम है किमारीता शेरपा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए किमारीता शेरपा। ये हैं नेपाल के 52 वर्षीय किमारीता शेरपा और इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। वर्ष 2019 में इन्होंने 24वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और इस बार 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, वर्तमान समय में देश जो है ऑक्सीजन क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत के एक राज्य के द्वारा ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाया गया है, आपको उसका नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश एंड डी महाराष्ट्र। देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो है बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में यह प्रोविजन किया गया है कि इसमें 25 से 30% तक सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। इसके साथ ही इससे सपोर्टिव इंफॉर्मेशन, जैसे बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है, वर्तमान में गवर्नर है फागू चौहान। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी है पटना। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार का राजगीर न्यूज में था। अब न्यूज में क्यों था, क्योंकि वहाँ एक स्काई ग्लास ब्रिज ओपन किया गया था, राइट, स्काई ग्लास ब्रिज ओपन किया गया था, इसीलिए यह जगह न्यूज में था। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न से इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा के हेलीकॉप्टर एनएनजीटी को किस ग्रह पर भेजा गया है? सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि हेलीकॉप्टर एनएनजीटी जो है उसका संबंध किस स्पेस एजेंसी से है। तो हेलीकॉप्टर एनएनजीटी का संबंध किससे है, नासा से। प्रश्न में अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि नासा के हेलीकॉप्टर एनएनजीटी को किस ग्रह पर भेजा गया है। आपके पास ऑप्शन है ए मंगल ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी शनि ग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हेलीकॉप्टर एनएनजीटी को मंगल ग्रह पर भेजा गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह। अब ये न्यूज में फिर से क्यों है, जब भेजा गया था तब भी न्यूज में था और अभी भी न्यूज में है। अभी हाल ही में एनएनजीटी ने जो है अपने रोटर ब्लेड, ये जो इसका देख रहे हैं हेलीकॉप्टर का जो रोटर ब्लेड आपको दिख रहा होगा, इसके साउंड को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, जो इसका साउंड होता है जब एयरबोर्न होता है तो इसके साउंड होते हैं, तो इससे जो साउंड निकलता है उसको रिकॉर्ड किया है। तो मंगल ग्रह पर ये साउंड को रिकॉर्ड करना अपने आप में बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है। तो नासा के एनएनजीटी हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने रोटर ब्लेड के साउंड को रिकॉर्ड किया गया है, इसीलिए यह न्यूज में था। और आपको मैं बता दूं, नासा अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है। आप अपने नोटबुक में रूस अर्थात रसिया, चाइना, इंडिया एंड फ्रांस, ये स्पेस एजेंसी को सर्च आउट करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है कि नासा का एनएनजीटी जो है उसका संबंध किस ग्रह से है, मंगल ग्रह से। अगला प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है?
अभी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें असम में बीजेपी की सरकार बनी है और हेमंत बिस्व शर्मा, ये हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इनको असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमंत बिस्व शर्मा। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे यहाँ का मुख्यमंत्री, लेकिन अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है और डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब असम न्यूज में है तो इसको हम देख लेते हैं मैप पर। ये देखिए भारत का मैप है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं रेड पोर्शंस, ये आसाम है। जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी कोई प्लेस न्यूज में रहे तो उसको एक बार अपने एटलिस में जरूर देखिए। इससे क्या होगा, आपको उसके आसपास के एरिया के साथ साथ फिजिकल फीचर्स भी पता चलेंगे। तो देखते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और माजुली आइलैंड यहाँ का फेमस है। माजुली आइलैंड फेमस क्यों है, ये फेमस इसलिए है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप है, अर्थात वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये। इस राज्य की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्रा, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ब्रह्मपुत्रा की जो ऑरिजिन होती है वो तिब्बत में होती है और तिब्बत में यह सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से तिब्बत में ऑरिजिन होके ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारता है और यहाँ आकर धुबरी के निकट बांग्लादेश में मिल जाता है। तो आपको याद रखना है तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है, सांगपो, और ये बांग्लादेश में धुबरी के निकट प्रवेश करता है। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न है मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ए एरिना सबलेंका, बी एस्ली वार्टी, सी बारबोरा क्रेजिकोवा एंड डी कैटरीना सिनियाकोवा। ठीक है, मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब जो है एरिना सबलेंका ने एस्ली वार्टी को हराकर जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिना सबलेंका। ये हैं एरिना सबलेंका और ये विश्व के सातवें नंबर के खिलाड़ी हैं, टेनिस के विश्व के सातवें नंबर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विश्व के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं जिनका नाम है एस्ली वार्टी, उनको हरा करके वर्ष 2021 का मैड्रिड ओपन महिला खिताब को जीत लिया है। और ये जो एरिना सबलेंका है वो कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की रहने वाली है। कभी कभी एग्जाम में जो खिलाड़ी होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, खास करके टेनिस खिलाड़ियों को ये देखा गया है। तो आपको याद रखना है जो एरिना सबलेंका है वो कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की रहने वाली है। वही एस्ली वार्टी जिनको इन्होंने हराया है वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। तो वर्ष 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है, बेलारूस की एरिना सबलेंका ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खिलाड़ी ने लगातार पांचवीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है, ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वर्स्टैपेन एंड सी वाल्टेरी बोटास, डी इनमें से किसी ने नहीं। लगातार पांचवीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। यह है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने लगातार पांचवीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है और यह इस सीजन का इनका तीसरी जीत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आपके पास ऑप्शन है, ए रणबीर कपूर, बी अनुपम खेर, सी अमिताभ बच्चन एंड डी रजनीकांत। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है अनुपम खेर को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुपम खेर। अनुपम खेर को यह जो पुरस्कार है उनके अभिनय हैप्पी बर्थडे एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए प्रोवाइड किया गया है। एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे, इसके लिए यह खिताब दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। इसके साथ ही इस मूवी ने एक और अवार्ड जीता है, वह है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। तो जो हैप्पी बर्थडे है वो दो अवार्ड जीता है,
एक तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो अनुपम खेर को दिया गया, इसके साथ ही वेस्ट शॉर्ट फिल्म का भी अवार्ड इनको मिला है। अर्थात जो हैप्पी बर्थडे मूवी है उसको वेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंसी इंडेक्स, ठीक है, याद रखिए ग्लोबल प्राइम रेजिडेंसी इंडेक्स में नई दिल्ली का स्थान क्या रहा। देखिए ग्लोबल प्राइम रेजिडेंसी इंडेक्स जो है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसमें आपको बताना है कि न्यू दिल्ली का स्थान क्या रहा। आपके पास ऑप्शन है ए 32वां, बी 35वां, सी 42वां एंड डी 45वां। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंसी इंडेक्स में दिल्ली का स्थान 32वां रहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 32वां। अब हम इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो नाइट फ्रैंक है वो कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है और इसने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में जो जारी किया गया है दिल्ली का स्थान 32वां है, वहीं मुंबई का स्थान 36वां है। अगर हम बंगलुरु की बात करें तो बंगलुरु का स्थान 40वें स्थान पर चला गया है जो कि 4 स्थान नीचे चला गया है। पिछली बार जो जारी हुआ था तो ये 36वें स्थान पर था, वहीं इस बार 40वें स्थान पर चला गया। तो दिल्ली 32वां, मुंबई 36वां और बंगलुरु 40वें स्थान पर। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों जो हैं चीन के शहर हैं। उनका नाम है शेंजेन, संघाई और गुआंगझोउ। ये तीनों इस जो क्वार्टर में जो जारी किया है इंडेक्स नाइट फ्रैंक के द्वारा रेजिडेंशियल इंडेक्स प्राइम रेजिडेंशियल ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, उसमें टॉप 3 पर कौन है, चाइना के हैं शेंजेन, संघाई और गुआंगझोउ। नाइट फ्रैंक के मुख्यालय के अगर हम बात करें तो ये लंदन में स्थित है और लंदन कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में। नाइट फ्रैंक की स्थापना हुई थी 1896 में। अगर हम ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स की बात करें तो ये एक वैल्यूएशन वेस्ट इंडेक्स है। क्या है, वैल्यूएशन वेस्ट इंडेक्स, अर्थात वैल्यू के आधार पर जारी किया हुआ इंडेक्स है। विच ट्रैक्स द मूवमेंट इन प्राइम रेजिडेंशियल प्राइसेस इन लोकल करेंसी, जो कि जो उनकी रेजिडेंशियल होती है उसकी कीमतों को उनको वहाँ की लोकल करेंसी के आधार पर तय करती है। और ये कंपेरिजन 45 सिटी वर्ल्ड के जो 45 टॉप सिटी है उसके द्वारा तय किया जाता है और ये नाइट फ्रैंक के जो ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क है उसके द्वारा ये तय किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है कि प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्या है। सो इट इज़ अ वैल्यूएबल बेस्ट इंडेक्स विच ट्रैक्स द मूवमेंट इन प्राइम रेजिडेंशियल प्राइसेस इन लोकल करेंसी, राइट। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।